सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक गाइस, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर नॉलेज ब्लॉगर। सो जो आज की वीडियो हमारे होने वाली है बड़गाम के रेलवे स्टेशन के ऊपर, वहाँ से बहुत सारे ट्रेन हैं तो मैं आपको वहाँ से ले जाता हूँ। बस ये तो अभी स्टार्ट है गाइस, तो चलिए फिर चलते हैं, अपनी वीडियो को बिगिन करते हैं यहाँ से। तो हम अपनी व्लॉगिंग जब कभी भी स्टार्ट करते हैं अपनी व्लॉगिंग, तो उसके रिलेटेड, मतलब इसके हिस्ट्री के रिलेटेड, उसके जो नॉलेज है क्या है, कहाँ से है, क्यों है, तो हम उसका थोड़ा पता करते हैं। तो आज मैं इसी बड़गाम के रेलवे स्टेशन के बारे में आपको बताऊंगा, कब बना था ये, किसके अंडर आता है ये बड़गाम का रेलवे स्टेशन, और ये कितने स्टेशन से गुजरता है मैं आपको पूरा डिटेल में बोलूँगा। इतना है नहीं तो आप वीडियो को अपनी नॉलेज के लिए देखिए, और वीडियो को लास्ट एंड तक देखेंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पर इतनी शांति है, कोई दिख नहीं रहा यहाँ पर गाइस। तो देखिए, मतलब यहाँ पर कई ट्रेनें पड़ी हुई हैं, मतलब चलती नहीं है शायद, ये पता नहीं चल रही है कि चल नहीं रही है। अभी वैसे बंद है, शायद चलती होंगी, बंद है वैसे, अभी खुला नहीं है ये स्टेशन। तो मैं बहुत जल्दी सुबह आ चुका हूँ आपके लिए वीडियो एक बनाने के लिए यार, बहुत मतलब सुबह जल्दी आना पड़ा मुझे। काफ़ी लंबी है गाइस, यहाँ पर एक नया जो ये है ट्रेन, ये नया है शायद यहाँ पर। सो आप देख सकते हो यार डिफरेंस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफरेंस जो वहाँ पर जो पहले मैंने आपको दिखाया था, पहले वाला ट्रेन, उसमें मतलब वो ख़राब हो चुका था, बना नहीं था बिल्कुल भी। तो यहाँ पर अभी ये देखिए, ये मतलब थोड़ा सा वेल बना है अच्छे से, मतलब यार काफ़ी ज़्यादा लंबी है, बहुत इसमें इतने सारे डब्बे, मतलब इंटरकनेक्टेड है। आप देख, मतलब मूवीज़ में हम कभी भी देखते हैं तो जो स्टेशन के ट्रेन के डब्बे होते हैं तो उनके बीच में गैप होती है, मतलब लाइकवाइज अब यहाँ से जो स्टार्टिंग होती है यहाँ से, अब दूसरा डब्बा आने वाला होता है यहाँ पर। लाइकवाइज देखिए, आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, यहाँ पर जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो ये आयरन लगा यहाँ पर, तो उसके दूसरी तरफ भी मतलब आप जा सकते हो इस ट्रेन में। वैसे जब कभी भी ये ट्रेन स्टार्ट होती है तो आपको जो पीछे वो दिख रहा था यहाँ पर टीन का, तो ये बंद, ये मतलब खोल दिया जाते हैं, क्योंकि स्टेशन के डब्बे जो थे बंद। और यहाँ पर ये देखिए चेन, यहाँ पर एक ये देखिए चेन यहाँ पर खींचते हैं यहाँ से, हाँ ये अभी खींच नहीं रहा यहाँ पर। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, मतलब गाइस स्टॉप टू स्टॉप ट्रेन पुल चेन, ओके। यहाँ पर फैंस भी है, यहाँ पर बड़गाम के जो ये ट्रेन है यहाँ पर फैंस भी है, यहाँ पर हैंगर्स भी है पकड़ने के लिए। नो स्मोकिंग, यहाँ पर डेंजर का कुछ हाई वोल्टेज है, मतलब अभी यहाँ पर जो मैं जिस अभी ट्रेन में हूँ, मतलब कोई भी नहीं है, खाली है ये बिल्कुल भी। देखिए यहाँ से कितना लंबा, मतलब यार बहुत लंबा है यार ये ट्रेन अंदर से, मतलब आपने तो मतलब थोड़ा बहुत देख लिया होगा कि कैसा यहाँ से ट्रेन अंदर से। अभी सुबह का वक्त है, कोई भी नहीं आया हुआ यहाँ पर, बिल्कुल खाली है, सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ, बस मैं ही हूँ यहाँ पर और कोई नहीं गाइस। तो ये रहा मेरे सामने ट्रेन का इंजन, तो चलिए चलते नीचे अब इंजन। तो ये देखिए ट्रेन का इंजन है यहाँ पर, तो मैं से ट्रेन के इंजन के ऊपर चढ़ता हूँ, कोई है नहीं यहाँ पर। ये ट्रेन का इंजन है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर, आपको दिख रहा है वहाँ सामने एक और इंजन है ट्रेन का, खड़ा हुआ ऐसे ही। तो आपको यहाँ पर एक टैग दिख रहा होगा, क्या लिखा है गाइस इस पे देखिए, इस पे लिखा है भारतीय रेल। गाइस अभी मैं जिस जगह पे हूँ, ये ट्रेन का एक इंजन है यहाँ पर, ये खुला है यहाँ पर, मैं आपको यहाँ अंदर दिखाऊँ। ये रहा ट्रेन का एक इंजन, मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ अंदर क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर, ये तो मतलब खराब है शायद, मुझे नहीं लगता। तो आप देखिए यहाँ पर ट्रेन के जो ये हैं सारे यहाँ पर,
पुर्जे वर्जे सारे यहाँ पर पड़े हैं, और शायद ये कुछ लिवर्स हैं यहाँ पर, ये शायद घुमाने वाला, यहाँ पर एक व्हील भी है यहाँ पर मेरे नीचे यहाँ पर। और आपको जो ये दिख रहा है गाइस, ये दोनों शायद ये स्पीड बढ़ाने के लिए और स्पीड कम करने के लिए होंगे। और यहाँ पर मीटर्स लगे हुए ट्रेन के, आप देखिए यहाँ पर सामने, और यहाँ पर कुछ बोनट से पता नहीं क्या है यार। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, मैं अब यहाँ से निकलता हूँ बाहर। तो मैंने आपको जैसे कहा था कि इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज शेयर करूँगा, तो नॉलेज में हमारी जो आज की जो यहाँ की जो स्टेशन बड़गाम का स्टेशन है, तो जो इन्हें रिसेंटली खुला है, मतलब इसको कुछ देर ज़्यादा देर हुआ भी नहीं है, 2008 में खुला है रेलवे स्टेशन। जो ये टाउन है यहाँ पर, जो ये इस्टेब्लिश जो यहाँ पर जो ये रेलवे स्टेशन है, तो उस टाउन को कहते हैं ओमपोरा टाउन। सो गाइस, आई जस्ट आस्क्ड अ पर्सन हियर सिटिंग बिहाइंड मी, ही टोल्ड मी दैट द ट्रेन आर जस्ट हैज बीन स्टॉप्ड एंड दे डज बंद पड़ी है। तो मुझे, मैंने पूछा एक बंदे आदमी से यहाँ पर पूछा, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेन स्टेशन चल नहीं रही है, बंद है अभी फ़िलहाल, आई थिंक विंटर्स की वजह से ये बंद पड़ी हैं। तो मैं आपको बोलते चलूँ, और जो ये ट्रेन है बड़गाम से बानिहाल के बीच में 11 स्टेशन क्रॉस करती है, तो मैं आपको थोड़ी से जो ये स्टेशन है इनके नाम बताते चलूँ गाइस। सबसे पहला जो यहाँ पर स्टेशन आता है, तो बड़गाम, जिस जगह में मैं अभी खड़ा हूँ, जिस जगह में अभी मैं हूँ यहाँ पर आप वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ये बड़गाम डिस्ट्रिक्ट है, ओमपोरा टाउन जो कि है। सो इसके बाद आएगा एक और दूसरा स्टेशन श्रीनगर, इसके श्रीनगर स्टेशन आता है, श्रीनगर रेलवे स्टेशन जो कि है 12 किलोमीटर फ्रॉम बड़गाम। और श्रीनगर के बाद आता है पामपुर रेलवे स्टेशन जो है बड़गाम से 18 किलोमीटर्स, और पामपुर के बाद आता है गाइस काकापोरा, आता है काकापोरा रेलवे स्टेशन जो कि 23 किलोमीटर है। और उसके बाद अवंतीपोरा आई थिंक अवंतीपोरा रेलवे स्टेशन, इट इज़ 34 किलोमीटर्स। एंड आफ्टर अवंतीपोरा गाइस पंजगाम रेलवे स्टेशन विच इज़ 40 किलोमीटर्स। आफ्टर पंजगाम गाइस बिज बिहारा रेलवे स्टेशन विच इज़ 47 किलोमीटर्स फ्रॉम बड़गाम रेलवे स्टेशन। एंड आफ्टर बिज बिहारा गाइस अनंतनाग रेलवे स्टेशन सो विच इज़ 54 किलोमीटर्स फ्रॉम बड़गाम रेलवे स्टेशन। एंड आफ्टर अनंतनाग सादुर रेलवे स्टेशन विच इज़ 62 किलोमीटर्स आफ्टर सादुर गाइस। सो काजीगुंड रेलवे स्टेशन विच इज़ 72 किलोमीटर्स। और गाइस लास्ट में काजीगुंड के बाद आता है गाइस हिलार रेलवे स्टेशन जो है 77 किलोमीटर्स फ्रॉम बड़गाम। और सबसे आखिर में गाइस जो है यहाँ पर 90 किलोमीटर जो पूरा जो ये पूरा कवर करता है बड़गाम से बानिहाल, जिसका जो लास्ट एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट बड़गाम है और इसका जो एंड पॉइंट है गाइस बानिहाल है। तो बानिहाल लगभग है 90 किलोमीटर। तो इसके जो बीच में किलोमीटर का फासला है गाइस, तो उसका है फ्रॉम बड़गाम टू बानिहाल 90 किलोमीटर। सो आप देखिए यार, अब मतलब बड़गाम का रेलवे स्टेशन कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ख़त्म हो चुका है। तो मैं अब जा रहा हूँ अपनी घर, वापस जा रहा हूँ।